हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार में अगर धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए। ये आजकल दोस्तों खास करके यंग जनरेशन में बहुत कॉमन हो गया है। बहुत जल्दी एक दूसरे से लोग ऊब जाते हैं, छोड़ देते हैं एक दूसरे को, धोखा देते हैं। धोखा देने के बहुत सारे रीजन धोखा देने वाले की तरफ से होते हैं, मगर कई बार वो जेन्यून नहीं होते हैं। लेकिन जो प्यार करता है और जिसने धोखा खाया है, उसको जो तकलीफ होती है, जो उसके दिल पे बीतती है, जो वो दर्द महसूस करता है, वो एक अजीबोगरीब डिप्रेशन में चला जाता है। वो इंसान, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, उस दर्द से उबर नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई, तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, माँ बाप अच्छे नहीं लगते हैं, दोस्तों से दूरी बना लेते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, तन्हा हो जाते हैं, बहुत गम में डूब जाते हैं। मतलब उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे पूरी दुनिया कोई मायने ही नहीं रखती है। एक इंसान ने, जिसने धोखा दिया, जिस पर आपने भरोसा किया, जिससे आपने बेपनाह मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आपके लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। उस दर्द को दोस्तों महसूस कर सकती हूँ मैं, उस तकलीफ को पहचान सकती हूँ, वो जो कष्ट होता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा किसी को चाहते हैं, हर एक चीज़ उस पर कुर्बान कर देते हैं। आपके लिए वो पूरी दुनिया हो जाता है या हो जाती है, और जब वो इंसान आपके साथ गद्दारी करे, आपको धोखा दे, आपको छोड़ के चला जाए, तो वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन दोस्तों, आपसे मैं एक ही बात कहूंगी, नामुमकिन नहीं है दोस्तों, नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। आप अच्छे हो, आपने सच्चा प्यार किया, उस पॉइंट को सोचकर आपको खुश होना चाहिए कि आप तो सच्चे हो। सामने वाले ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गद्दारी की, उस चीज में से आपको खुद निकलना होगा दोस्तों। कोई और आके उसमें से आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप किसी और को अलाउ ही नहीं करते उस समय। वो समय आपको इतना दर्द महसूस होता है, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट में होते हो आप, कि आपको किसी की भी बात, छोटी कही हुई बात, अच्छी बात भी सुई की तरह, नश्तर की तरह चुभती है दोस्तों। दोस्तों, उसमें से आपको खुद निकलना होगा। सबसे पहले इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो लड़की है या लड़का है, कि हाँ, अब ये कैरेक्टर, ये इंसान मेरे जीवन में नहीं है। इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है। इस सच को सबसे पहले एक्सेप्ट करो। आप जब सच को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप अंदर आपके हीलिंग आएगी। आप अपने आप को समझेंगे कि नहीं, वो इंसान अब आपके जीवन में नहीं है। और उस इंसान को फॉलो करना, वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, सारी चीजों से मुक्त हो जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उसके धोखा देने के बावजूद भी उसको फॉलो करते हैं, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप और गहराई में, और गहरे दुख में डूबते जाएंगे दोस्तों। उस दुख में से आपको निकलना है, उस चीजों को आपको भूलना है, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करके उस चीज को फॉलो करना बंद कर देना है। और दूसरी सबसे खास बात है, अकेले नहीं रहना है, तन्हा नहीं रहना है। आप अपना जो भी टाइम, समय है, अपने दोस्तों में निकालिए, आप बाहर जाइए, आपको जो चीज पसंद है आप वो चीज करिए, आउटिंग करिए, अपने दोस्तों के साथ फिल्म जाइए, गेम्स खेलिए, अपने फैमिली में इंक्लूड होइए, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, और अपने परिवार में आपको लग रहा है कि नहीं, आप अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं, या आप नहीं बता सकते कि आप कितने तकलीफ में, आप कितने परेशानी में, तो आपके पास दोस्त हैं,
अपने दोस्त के पास जाइए, उससे बातें शेयर कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और अपने आप को बिजी कर दीजिए, व्यस्त कर दीजिए। इतना बिजी कर दीजिए कि आपको याद करने की, सोचने की, कहते हैं ना, ज़रूरत तो अलग बात है, समय ही ना मिले आपको, वो आपको वक्त ही ना मिले कि आप सोचे, परेशान हो और आप डिप्रेशन में जाए। क्यों भाई? आपने तो सच्चा प्यार किया ना, सामने वाला धोखेबाज निकला, सामने वाले ने झूठ बोला, उसने धोखा दिया है, तो आप क्यों कष्ट झेले, आप क्यों तकलीफ में रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट करके अपने आप को इतना बिजी कर दीजिए, इतना व्यस्त कर दीजिए कि आप कुछ एक, कहते हैं ना, मुकाम हासिल कर लीजिए, आप एक लेवल अपना हासिल कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, बर्बाद कर देते हैं अपने आप को, दुनिया खत्म, मतलब सब खत्म, चाहे वो करियर हो, जिंदगी हो। बहुत सारे लोग तो गलत स्टेप भी ले लेते हैं इस मामले में, जो कि बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत खूबसूरत है, और एक इंसान के धोखा देने से आपके पीछे जितने दूसरे लोग हैं, आप उन्हें क्यों भूल जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपसे बेहद बेपनाह मोहब्बत की, आपकी हर गलती को माफ करके आपके साथ खड़े हैं, आपके दोस्त जो आपके लिए पागलों के जैसे खड़े रहते, आपके साथ देते, हर वक्त साथ में खड़े रहते, आपकी तकलीफ में, आपकी खुशी में, आपके गम में, आपके भाई बहन, आप सबको क्यों भूल जाते हैं? कि इंसान की वजह से आपको इस डिजास्टर को, मैं कहूंगी, अपनी अचीवमेंट में बदल देना चाहिए। बर्बादी की ओर क्यों जाना है? आपको इस काबिल बन जाना चाहिए कि उस छोड़ने वाले को अफसोस हो, उसे दुख हो, यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, यार इस इंसान को, इस लड़की को, इस लड़के को छोड़ दिया, आज क्या बन गई है, क्या बन गया ये होना चाहिए दोस्तों, ना कि आप दुखी होके, डिप्रेशन होके अपने आप को तबाह और बर्बाद कर दें। दोस्तों, धोखा देना इस संसार में बहुत आसान है, लेकिन उसमें से उबरना, निखरना, अपने आप को उस लायक बनाना कि सामने वाला तरसे आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, सोना जब तपता है ना, तब निखरता है, रियल रंग उसका तभी आता है। और धोखा खाने के बाद अगर आपने सही फैसला लिया, आप कहां से कहां लेवल पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। गलत फैसले ना लीजिए दोस्तों, आप अपने आप को टॉर्चर करके, दुखी करके, डिप्रेशन में डाल के कुछ हासिल नहीं करते, आप खुद भी परेशान होते हैं, आपको चाहने वाले, आपके अपने भी परेशान होते हैं। अपनों के लिए ना सही, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को उसमें से निकालो दोस्तों, इस काबिल बनाओ कि हर कोई तरसे तुमसे बात करने के लिए, हर कोई सोचे यार हमने गलत कर दिया इस इंसान के साथ। अपने आप को मत दुखी करो, मत डिप्रेशन में जाओ, धोखा देने वाला दुखी होना चाहिए, आप नहीं। खुश रहिए, खुश रखिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।